नमस्कार दोस्तों, आयरविन प्रेस शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.7% की क्लियर आपको गिरावट नज़र आ रहा है। तो उसी के साथ आप देख सकते हो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में छोटा सा एक डोजी कैंडल दिखाई दे रहा है। पिछले तीन दिन से स्टॉक एक ही जगह पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब सवाल आ रहा है क्या यहाँ पर और भी गिरावट आने वाला है या फिर स्टॉक में तेज़ी आने वाला है। तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि दोस्तों आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर आयरविन इंफ्रा शेयर स्टॉक आप एग्जैक्टली एक हायर है बनाकर ऊपर बढ़ रहा है और अपना प्रीवियस के जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर बढ़ता हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट करते करते जो स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगा देख सकते हो, तो आपके सामने 78 का है। सपोर्ट लेवल की बात करें सपोर्ट लेवल 59.7 का है और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी समय से इन दोनों लाइनों के बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ट्रेड कर रहा है, राइट। तो उसी तरह दोस्तों एक और कंडीशन जैसे कि आपके सामने है कि स्टॉक आपको एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड में भी कंटिन्यू कर रहा है। तो जैसे स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा स्टॉक में तेजी आएगा। बाकी अब सवाल आता है ब्रेकआउट कब करेगा। देखिए अभी जहां पर रुका हुआ ये भी एक सपोर्ट लेवल है, तो हो सकता है स्टॉक इसी को सपोर्ट लेके भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेकडाउन करे तो फिर ये यहां तक आएगा और यहां पर सपोर्ट लेके भी ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए ऊपर के साइड में आपको जो रेजिस्टेंस लाइन फॉलो करना है वो रहेगा 67 का, और 67 को ब्रेकआउट करते ही ये तीनों जो दो टारगेट है ये आपको हिट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी सपोर्ट लेवल हमने डिस्कस किया इनको फॉलो करना है, और इसके नीचे अगर जाता है तो स्टॉक में 53 का सपोर्ट लेवल आएगा, आप उस पर भी ध्यान रख सकते हो। तो दोस्तों स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ जब बनाया गया तो इस वीडियो करके लाइक करें। धन्यवाद।